मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइन का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो स्टे सेट्स है। ठीक है, स्टे सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें स्टे अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। इसके पहले हम लोगों ने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि ओवरहेड लाइन में जो कंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, ACSR एल्यूमिनियम का, ठीक है, ACSR कंडक्टर और हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर, ठीक, हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर और ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, इस प्रकार से स्टील, कैडमियम, कॉपर, फास्फोरस, ब्रॉन्ज और कॉपर क्लैड वायर, इस प्रकार से जो कंडक्टर होते हैं ओवरहेड लाइन में हम यूज़ करते हैं परिस्थितियों और जगहों के अनुसार। ठीक है, अधिकांश जो हम लोग जहाँ जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ के लिए अगर देखें, तो अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हम ACSR का यूज़ नहीं करते हैं, और अधिकांशतः जगहों पर, ठीक है, ऐसे पहाड़ी इलाकों पे हुआ और जहाँ पे शुष्क वातावरण होते हैं, जहाँ बारिश की संभावना अधिक होती है, वहाँ पे हम ऐसे कनेक्टर यूज़ करते हैं। ये ACSR कनेक्टर और कॉपर हार्ड ड्रॉन कॉपर कनेक्टर वगैरह नहीं यूज करते, उसके लिए हम लोग फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज और कॉपर क्लेड वायर, कैडमियम, कॉपर स्टील, इस टाइप्स के कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रिइंफोर्स ACSR कंडक्टर यूज़ करते हैं, जो कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन से होकर ओवर लाइन में जो यूज़ होता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए, वहाँ पे हम ACSR कंडक्टर का ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो अब जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है ओवर लाइन का वो क्या है, स्टे सेट्स या स्टे अरेंजमेंट कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, स्टे अरेंजमेंट और स्टे सेट्स, ये जो आप लोग को यहाँ पर एक डायग्राम दिखाए गए हैं, ये एक स्टे अरेंजमेंट का डायग्राम है। ठीक है, इसमें जो क्या होता है कि लाइन पोल पर निम्न स्थितियों में टेक व्यवस्था की जाती है। ठीक है, कई सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे हमको टेक का अरेंजमेंट करना पड़ता है, ना स्टे अरेंजमेंट देना पड़ता है। ठीक, देखिए कब कब किस किस कंडीशन पर हमें लाइन पोल पर टेक व्यवस्था देनी पड़ती है। जब डिपार्टमेंटल पोल हमको लगाना होता है, डिपार्टमेंटल पोल, टर्मिनल पोल कौन सा होता है, जो आखिरी पोल होता है, स्टार्टिंग से लेकर के जो आखिरी पोल होता है हमारा, लाइन जहाँ समाप्ति होती है, टर्मिनल पोल, लाइन में मोड़, अगर मोड़ आ रहा है वहाँ पे जो लगता है, दोहरे पोल, अधिक तनाव, हाई टेंसिल के लिए और ब्रांच लाइन के लिए, इत्यादि जगहों पे हमको ये टेक व्यवस्था देनी पड़ती है। ठीक है ना, और लाइन आधारों पर टेक व्यवस्था जो होती है, यानी जो लाइन बेस लाइन जो होती है उन पर जो हमको टेक व्यवस्था, यानी कि टेक स्टे अरेंजमेंट देना पड़ता है, वो 45 डिग्री पे देना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा एक पोल है, इस पोल को हम अगर यहाँ से ये पोल हमारा है, इस पोल को हमें टेक अरेंजमेंट के द्वारा स्टे देना है। ठीक है, स्टे अरेंजमेंट करना है, स्टे अरेंजमेंट के लिए क्या कि ये हमारा वायर यहाँ से, ये जो हमारा ये पोल के बाद जो हमारा ये वायर गया है, स्टे वायर इसको बोलते हैं, स्टे सेट्स या स्टे अरेंजमेंट इसी को बोलते हैं। ठीक है, पोल के बाद तो जो हमारा ये यहाँ से एक लाइन आई होती है, ये जो हमारा वायर आया होता है, स्टे वायर, स्टे सेट्स, तो वो जो होता है ज़मीन से या पोल से कह लीजिए 45 डिग्री लाइन आधारों पर, लाइन के जो आधार फाउंडेशन जो होते हैं, इनसे ये जो टेक है स्टे सेट्स है वो 45 डिग्री पे की जाती है। ठीक है, लाइन आधारों पर टेक व्यवस्था 45 डिग्री पर की जाती है और विशेष परिस्थितियों में 30 डिग्री पर भी की जाती है। ठीक है, इसको और कम भी कर लेते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जो हमारा टेक व्यवस्था, टेक अरेंजमेंट होता है, स्टे अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्टे सेट से स्टे अरेंजमेंट बोलते हैं, इसमें हमारा पोल, तो ये पोल है, इस पोल की देखिए डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई गई 3.048, और यहाँ से इसमें इस पोल के बाद जो हमारा स्टे सेट से स्टे अरेंजमेंट होता है, इसमें क्या क्या लगा होता है। पहले तो इसमें एक स्टे इंसुलेटर लगा होता है ऊपर, ध्यान से अगर कभी देखेंगे स्टे सेट्स को तो वहाँ देखेंगे छोटा सा एक ऊपर स्टे इंसुलेटर लगा होता है और ये स्टे वायर होते हैं। ठीक है, जो ये आ रहे हैं इसके बीच में स्टे इंसुलेटर यहाँ पे लगा होगा, पोल से होकर के आएंगे, थिम्बल लगा होता है, स्टे बाव, ये जो यहाँ पे सपोर्ट के लिए लगाया गया है, स्टे बाव इसको बोलते हैं, ये क्रॉस हेड होता है, और इसको लाकर जब हम इसको एक नींव के रूप में फाउंडेशन देते हैं, यानी इसको स्थापित करते हैं जिस जगह पर, ठीक है, ज़मीन पे जहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं, इसको इसका बेस बनाते हैं, आधार बनाते हैं यहाँ पे इसको टिके रहने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ देखिए एक स्टे जो सेट्स है इसके साथ एक रॉड लगा होता है, ये रॉड जो है सीमेंट
कंक्रीट के अंदर इस रॉड को हम लगाए रहते हैं, एंकर प्लेट जिसको बोलते हैं, एंकर प्लेट, ठीक है। और इसे मिट्टी का भरा होता है, सीमेंट कंक्रीट भी लगे होते हैं इसमें। और इसका जो डिस्टेंस देखिए 300 की दूरी पे, और यहाँ से जीएल यानी ग्राउंड लेवल ये दिखाया गया है, जीएल यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, ये स्टेरॉड है ग्राउंड लेवल से, और जो हमारा एंकर प्लेट से ऊपर यानी जहाँ सीमेंट कंक्रीट हम भरते हैं वहाँ तक का डिस्टेंस 1200, उसके बाद 300 होता है, यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट हमारा रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्टे अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है ना, किसी पे ओवर लैंड के लिए, पोल के लिए, जो जो डिपार्टमेंटल पोल होता है, टर्मिनल पोल होता है, लाइन में जहाँ मोड़ आता है, दोहरे पोल होते हैं, अधिक टेंसिल वाला हमको चाहिए होता है, शाखा लाइन चाहिए होती है, उसके लिए हमको स्टे वायर की या स्टे सेट का स्टे अरेंजमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये एक सपोर्ट का ही काम करता है, ठीक। इस प्रकार से हम स्टे सेट्स लगाते हैं, और इसमें जो होती है कई सारी मटेरियल्स यूज़ मिलाए जाते हैं स्टे सेट्स में। देखिए मटेरियल्स के लिए अगर आप पूछे कि कौन कौन से मटेरियल्स इसमें, कौन कौन से मटेरियल इसमें प्रयोग किए जाते हैं स्टे सेट्स में, तो इसमें क्या है, इस पहला तो स्टे वायर यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसको टेक तार बोलते हैं, स्टे वायर, स्टे रॉड यूज़ होता है, क्रॉस हेड यूज़ होता है, थिम्बल यूज़ होता है, ये थिम्बल, एंकर प्लेट, ठीक है, स्टे इंसुलेटर, और ये स्टे इंसुलेटर जो होता है ज़मीन से, भूमि से कम 3.048 मीटर की ऊंचाई पर होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम स्टे अरेंजमेंट करते हैं, स्टे सेट्स लगाते हैं, और ओवरहेड लाइन के लिए जो मेन कंपोनेंट हमारा है वो स्टे सेट्स के बारे में देखें आप लोग, किस प्रकार से इसका अरेंजमेंट किया जाता है, कि कौन कौन सी चीज़ इसमें लगी होती हैं, ठीक है। बेसिकली आपको इसके कंपोनेंट्स जो ओवरलैंड के कंपोनेंट में स्टे सेट्स है इसके में, इसमें जो मटेरियल जो यूज़ होते हैं वो आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन का, तो वो कंक्रीट ऑफ लाइन सपोर्ट, ठीक है, कंक्रीट ऑफ लाइन सपोर्ट एंड लाइन आधार की कंक्रीटिंग कैसे करते हैं, जो हम बेस करते हैं, जो पोल लगाते हैं, पोल लगाने के लिए हमको उसमें एक नींव देनी पड़ती है, यानी एक फाउंडेशन बनाना पड़ता है, वहाँ सीमेंट कंक्रीट ऑफ कंक्रीटिंग करनी पड़ती है भाई, किसी भी चीज़ का फाउंडेशन अगर आप देंगे सीमेंट कंक्रीट के बिना तो होगा नहीं। तो उस फाउंडेशन के लिए यानी कि लाइन आधार की कंक्रीटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। पोल को जब हम नीचे ज़मीन पर लाते हैं, उसको कनेक्ट ज़मीन से उसको लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसको एक बेस देते हैं, उसका फाउंडेशन बनाते हैं, तो उसकी कंक्रीटिंग किस प्रकार से होती देखते हैं। देखिए लाइन आधारों को भूमि में लगाने के लिए दो मफ्स, ठीक है, अभी देखेंगे मफ क्या होता है। लाइन आधारों को भूमि में लगाने के लिए यानी पोल्स को भूमि में लगाने के लिए दो मफ पहले से सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं, ठीक है, दो मफ पहले से सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं, नीचे एक पत्थर लगाया जाता है, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट को संरचना के बने दो मफ, सीमेंट कंक्रीट की संरचना के बने दो मफ्स लगाए, जो मफ्स बने होते हैं वो सीमेंट कंक्रीट के होते हैं, ठीक है। और जो मफ्स हम वहाँ लगाते हैं उसका जो डायमेंशन होता है वो 46 सेंटीमीटर ऊपर के लिए और 30.5 सेंटीमीटर नीचे के लिए। मफ की लंबाई 1.8 मीटर होती है और बेलनाकार मफ जो होता है वो 254 सेंटीमीटर व्यास का होता है। सीमेंट कंक्रीट के मफ्स बनाने के लिए 3 mm मोटाई की इस्पात सीट का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो है ये दोनों, ये यहाँ मफ्स हैं और एक यहाँ मफ्स, दो मफ्स बनाए गए हैं, ये मफ्स होते हैं जो सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं, इसके बाद ही इसके अंदर हम पोल को लगाते हैं, ठीक। ये क्या है, स्टोन है पहले, जैसे कि बताया गया था कि जो लाइन आधार की भूमि में लगाने, इसको यानी कि पोल को भूमि में लगाने के लिए दो मफ पहले से सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं, सीमेंट कंक्रीट के दो मफ्स बनाए जाते हैं और नीचे एक पत्थर लगाया जाता है, ये स्टोन की बात हो रही है, यहाँ पे एक पत्थर लगाया जाता है, ठीक। इसके बाद इन दोनों के बीच से हम क्या करते हैं, इस पोल को लगाते हैं, ऐसे ही पोल को नहीं लगा देते हैं ज़मीन में, तो दो मफ्स की सहायता से क्या करेंगे, हम पोल्स को लगाते हैं ज़मीन के अंदर। इसके बाद देखिए सीमेंट का ऊपर से प्लास्टर कर दिया जाता है ताकि इसकी स्ट्रेंथ बने रहे अच्छे से, और ये पोल हमारे पोल दिखाए गए, ये पोल इस प्रकार से ऊपर पोल जाएंगे, पोल के नीचे का जो पार्ट्स है मफ्स के द्वारा किस प्रकार से कनेक्ट किया गया है इस डायग्राम में दिखाया गया, ठीक है ना। ये सीमेंट कंक्रीटिंग, उसके डिस्टेंस का क्या होते हैं, तो कंक्रीटिंग ऑफ लाइन सपोर्ट इस प्रकार से मफ्स के द्वारा हम क्या करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं लाइन सपोर्ट के लिए, ठीक।
तो ये कुछ बेसिक्स जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन के, इसको आप लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कैसे कैसे कंडक्टर हम यूज़ करते हैं, क्रॉस आर्म क्या होता है, क्लैंप क्या होता है, ठीक है, लाइन इंसुलेटर्स क्या होते हैं, स्टे सेट्स क्या होता है, ठीक, लैटरल डस्टर वगैरह जो चीज़ें हम बेसिकली जो बेस हमारा बेसिक होता है, मेन कंपोनेंट्स होता है ओवरहेड लाइन का, इसको आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल फॉर ओवरहेड लाइन के लिए, ठीक है। तो फॉर केवल ओवरहेड लाइन के लिए अलग अलग सबके, ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ओवरहेड लाइन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए, सबके लिए अलग अलग नियम बने होते हैं। तो जो हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है वो उसमें अनुच्छेद 74 से, ठीक है, 74 से 93 तक का जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है वो है ओवरहेड लाइन के लिए केवल, ठीक है। तो उसको आप लोग देखिएगा, जहाँ पे आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल पूरा दिया हुआ है वहाँ पे नंबर 74 से 93 तक जो रूल्स हैं वो ओवरहेड लाइन के लिए है, ठीक है, बुक्स में दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो फॉर्मेशन ऑफ ओवरहेड लाइन, ठीक है, ओवरहेड लाइन की संरचना कैसी होनी चाहिए, ठीक। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जो ओवरहेड लाइन की संरचना के बारे में अगर बात करें तो ओवरहेड लाइन का निर्माण करते समय काफ़ी सारे पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना होता है। पहला है कि अगर हम ओवरहेड लाइन का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए हमको लाइन सपोर्ट, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया जो मेन मेन कंपोनेंट है वो सब आवश्यक है। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए ओवरहेड लाइन की संरचना के लिए जो हमें पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं उस पर ध्यान देना जरूर होता है। पहले एक अगर हम बात करें लाइन सपोर्ट की, तो ओवरहेड लाइन का निर्माण करते समय लाइन आधार का सही चुनाव करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें पोल, जो हमारा पोल होता है, जो टावर हम लगाते हैं, उनका चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी पर निर्भर होता है कि हम जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, जितने वोल्टेज की लाइन ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी जितनी है, क्या वो उतनी कैपेसिटी का पोल है या नहीं है, उतना बियर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे लाइन सपोर्ट पर डिपेंड करती है। तो इसलिए ओवरहेड लाइन का निर्माण करते समय क्या करते हैं हम, लाइन आधार का सही चुनाव करना अत्यंत आवश्यक है, और उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है कि क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी होती हैं। पहला देखिए कि वोल्टेज ड्रॉप तथा पावर के अनुसार पोल का प्रकार तथा पोल की लंबाई, वही पहले जैसे कि अगर हमको 33 kV का वोल्टेज ट्रांसमिट करना है, 11 kV का वोल्टेज ट्रांसमिट करना, तो उन सब के लिए अपना अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं पोल के, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है कि वोल्टेज ड्रॉप कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं, पावर कितना हो रहा है उस पर, ठीक है, उस हिसाब से पोल के प्रकार व उसकी लंबाई हम वहाँ डिसाइड करते हैं कि पावर के हिसाब से कितना पावर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना पावर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम वहाँ पे पोल लगाएंगे, उसी इसके हिसाब से हमको पोल की लंबाई भी डिसाइड करनी होती है। और पोल को भूमि के अंदर स्थापित करने होते हो उसकी कुल लंबाई का 1/6 भाग ज़मीन के अंदर रखा जाता है। अगर हमारा कोई पोल 12 सेंटीमीटर का, तो उसका 12 सेंटीमीटर का 1/6 भाग क्या करेंगे हम, ज़मीन के अंदर लगाएंगे, ठीक है, उस पोल का। तो और न्यूनतम अंतरण यानी क्लियरेंस भी कम होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारे लाइन सपोर्ट की बात रही जो हम ओवरहेड लाइन की संरचना के लिए, पहला लाइन सपोर्ट। दूसरा है कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन, चालक का विन्यास क्या होता है। विद्युत लाइन पर चालकों की स्थिति दो तरह की होती है, ठीक है, विद्युत लाइन पर चालकों की स्थिति दो तरह की होती है, एक तो होती है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर और एक होती है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज जिसको बोलते हैं, और एक होती है ट्रायंगुलर वेव में, ठीक है। जो हमारे चालक का विन्यास होता है, कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है, चालकों की जो स्थिति होती है दो तरह की होती है, एक वर्टिकली होती है और एक हॉरिजॉन्टली होती है, और ट्रायंगुलर वेव में भी, ट्रायंगुलर शेप में भी हम कंडक्टर का, कंडक्टर की कंडीशन बनती है, ठीक है। और नेक जो हमारा है वो कंडक्टर है कि हम ओवरहेड लाइन की संरचना के लिए जो कंडक्टर किस प्रकार का कैसे यूज करेंगे। तो चालक की माप लाइन वोल्टेज तथा पावर के आधार पर ज्ञात की जाती है, चालक की माप लाइन वोल्टेज तथा पावर के आधार पर ज्ञात की जाती है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए AC, डबल AC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ठीक है, डबल AC चालक। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए, ठीक है, यहाँ कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए हम लोग कौन से चालक का यूज करेंगे, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ठीक है, इसका यूज करेंगे। और लो टेंशन लाइन के लिए हम ACSR कंडक्टर का यूज करते हैं, ठीक है, ACSR कंडक्टर का यूज हम करेंगे लो टेंशन लाइन के लिए। और 11 kV लाइन के लिए ACSR या कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर जो होता है, जिसको हम लोग भी पढ़े थे, वो 11 kV लाइन के लिए,
11 केवी लाइन के लिए ACSR या कॉपर, इसका हार्ड ड्रॉन कॉपर यूज़ करते हैं, ठीक। और लाइन चालकों को बांधने के लिए 5 mm व्यास एल्यूमिनियम तार व टेप 0.77 × 6.4 mm माप का उपयोग किया जाता है, ठीक। क्रॉस आर्म होता है, क्रॉस आर्म लाइन वोल्टेज, चालकों की स्थिति विन्यास तथा लाइन पर परिपथों की संख्या के आधार पर हम क्रॉस आर्म की लंबाई निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए ओवरहेड लाइन की जो संरचना होती है, किस प्रकार से किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा आता है टॉपिक वो है स्पेसिफिकेशन एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन के लिए जो हमारे कॉस्ट होंगे, क्या मटेरियल होंगे, किस प्रकार का हम यूज करेंगे, उसको देख लेते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट जो हमारा है, इसमें देखिए हमने एक जो सारणी बनाई गई है, इसमें कि सामग्री का नाम और विवरण दिया गया है एक साइड, और एक साइड मूल्य इसके दिए गए हैं। तो ओवरहेड लाइन के लिए किस प्रकार का मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, कितने कितने रेटिंग के वो होते हैं, एक यहाँ पे उसका एक सारणी के रूप में उसको दिखाया गया है। देखिएगा कि जैसे पहला है सामग्री का नाम आविवरण, किस प्रकार से हम अगर स्पेसिफिकेशन करते हैं ओवरहेड लाइन का तो कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। तो बेसिकली जो चीज़ें हमको जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है वुडन पोल की, ठीक, वुडन पोल हमको चाहिए होगा। उसके लिए अगर हम वुडन पोल ले रहे हैं तो उसके लिए क्या होगी, ऊपरी जो परिधि हमारी होती है, निचली परिधि होती है, लंबाई क्या होती है, जो उसकी होती है स्टैंडर्ड लंबाई और स्टैंडर्ड परिधि, उसको यहाँ मेंशन करते हैं। इसका मूल्य देख निर्धारित कर लेंगे कि 9 मीटर के लिए 700 रुपये प्रति होता है, 10 मीटर के लिए 800 रुपये प्रति, 11 मीटर के लिए 900 रुपये प्रति, ठीक। इस प्रकार से इसका दर निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टील टेबलर पोल की, ठीक है, स्टील टेबलर पोल की ये माप होगी, 11 मीटर का है तो 2600 रुपये का आएगा, ठीक। और नेक्स्ट रेल पोल के लिए लंबाई अगर 10 मीटर है तो 175 रुपये प्रति, ठीक है, 1750 रुपये प्रति हो जाएगा। 11 मीटर का है तो 2100 रुपये प्रति हो जाएगा, ठीक। PCC या RCC पोल की लंबाई अगर हमारा 10 मीटर है, 11 मीटर का, उसके लिए हमारा रेंज जो आएगा, जो मूल्य आएगा, 1950 रुपये प्रति आएगा, और 11 मीटर के लिए 1150 प्रति मीटर आएगा। क्रॉस आर्म हम अगर यूज़ कर रहे हैं उसमें क्रॉस आर्म लगाएंगे, ठीक है, ओवरहेड लाइन के लिए। क्रॉस आर्म के लिए वुडन, अगर हम वुडन का पोल यूज़ करें तो वहाँ वुडन, अगर वुडन का क्रॉस आर्म लगा रहे हैं लकड़ी का, तो वो 100 mm × 75 mm का होना चाहिए। लंबाई उसके अगर 1.5 मीटर है तो 125 रुपये का होगा, और 2 मीटर है तो 200 रुपये का होगा। जो ये जो रुपये इसमें दिखाए गए हैं, जो मूल्य दिखाए गए हैं, ये घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक नमूना के तौर पर दिखाया गया है कि इतना हम लेंगे, ठीक है। लाइन इंसुलेटर है तो हमारा साइकिल इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर और पिन इंसुलेटर पिन सहित लो टेंशन लाइन 11 kV लाइन के लिए, उसके लिए देखिए हम देख लेते हैं 75 रुपये प्रति ये बात हो रही है साइकिल इंसुलेटर की, और 90 रुपये प्रति या 95 रुपये प्रति LT लाइन और 11 kV लाइन के लिए। इसी प्रकार से टेक स्प्लिट इंसुलेटर ले लेंगे हम 2 रुपये प्रति, सॉरी 20 रुपये प्रति, और क्लैंप अगर लेते हैं, डी क्लैंप है, साइकिल क्लैंप है, टर्मिनल पोल है, क्लैंप सस्पेंशन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर है, उसके लिए उसका जो रेट निर्धारित किया गया वो 68 रुपये प्रति है, तो 130 रुपये प्रति है इसका स्ट्रेन इंसुलेटर का। FE भूतार या स्टे खतरा प्लेट क्लैंप्स वो है 30 रुपये प्रति। लाइन कंडक्टर की बात करें तो हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर अगर हम लेते हैं 0 से 6 SWG का या 9 से 6 SWG का, तो उसके लिए हमारा मूल्य निर्धारित यहाँ पे है 270 रुपये प्रति किलोग्राम, और 9 से 10 SWG का ले रहे हैं तो स्टैंड ये हो जाएगा 300 रुपये प्रति किलोग्राम। अन्य के रूप में देख लेते हैं, जैसे बारबेड 12 की हमको आवश्यकता पड़ेगी, और LS8 की पड़ेगी आवश्यकता, यानी लाइटनिंग अरेस्टर सेट की, स्टोन पैड, डेंजर प्लेट्स, वाइंड स्लाइव, अर्थ कंक्रीट सीट, स्ट्रे वायर सिस्टम, गली प्रकाश व्यवस्था, तो इन सभी के लिए भी हमारा यहाँ मूल्य निर्धारित है। तो इस प्रकार से हम स्पेसिफिकेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर ओवरहेड लाइन के लिए, ठीक है। तो ये आपके जो चैप्टर नंबर 5 के जो बेसिक मेन जो कंपोनेंट्स थे, मेन जो टॉपिक्स थे, वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। हम लोग एक न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं, वैसे इसका न्यूमेरिकल पूछता नहीं है, बट संभावनाएं बनती हैं, पूछ भी सकता है, इसलिए न्यूमेरिकल भी एक देख लेंगे, ठीक है, सिंपल सा। इस न्यूमेरिकल में यही है, स्पेसिफिकेशन पूछा गया ओवरहेड लाइन का कि कॉस्ट और मटेरियल को लेकर के। तो एक न्यूमेरिकल देखिए, एक 300 मीटर लंबी ओवरहेड लाइन 400 वोल्ट 3 phase 50 hertz स्थापित की जानी है, ठीक है। ये बोला है कि 300 मीटर लंबी एक ओवरहेड लाइन हमको बनानी है, ठीक है,
ओवर हेड लाइन के लिए 300 मीटर हमको लंबाई दे दिया है, और किसके लिए 400 वोल्ट वो बियर कर सके 3 फेज और 50 हर्ट्स, ठीक, जिसका मध्यमान पार्ट 50 मीटर है। इस पूरे कार्य में लगने वाले सामग्री का मूल्यांकन कीजिए, ठीक। इसके लिए क्या करें, सबसे पहले हम पूर्वानुमान कर लेंगे कि लाइन आधार जो है, चूँकि ये दिया है 400 वोल्ट के लिए, ठीक है, तो हर जैसे 11 kV के लिए, 33 kV के लिए, 162 kV के लिए, 132 kV के लिए, सबके लिए पोल अलग अलग निर्धारित होते हैं। तो अगर 400 वोल्ट के लिए बात करें, हमको ओवरहेड लाइन बनानी है 300 मीटर लंबी, तो उसके लिए हम लाइन आधार हम जो लगाएंगे, पहला लाइन आधार 11 मीटर लंबा स्टील टेबलर पोल, ठीक है, 400 वोल्ट जाना है तो स्टील टेबलर पोल लगाएंगे वहाँ पर 11 मीटर लंबा का। फेज वायर जो होगा 7x3.10 mm डबल एसी होगा, ठीक है, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर का होगा, जो फेज वायर होगा RYB ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर का होगा। लाइन का प्रथम व अंतिम पोल टर्मिनल पोल होता है, ठीक है, लाइन का प्रथम व अंतिम पोल, पहला पोल और लास्ट पोल क्या होगा, अंतिम पोल टर्मिनल पोल है। और चौथा पॉइंट अगर आज हमसे बात करें, न्यूट्रल वायर जो हमारा पास न्यूट्रल वायर होगा वो 3x8.00 mm AAAC का होगा। प्रत्येक पोल पर गली प्रकाश व्यवस्था देनी है, ठीक है, प्रत्येक पोल पर हमको एक एक लाइट भी लगानी है, और प्रत्येक पोल पर गली सॉरी अतः 3 फेज 5 वायर गली प्रकाश सहित, 3 फेज 4 वायर होता है न्यूट्रल वायर सहित अगर हम दे रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पर गली प्रकाश सहित हमको देना है, व्यवस्था प्रकाश के लिए भी देना है, इसलिए हम यहाँ पर 5 वायर का यूज़ करेंगे। 3 फेज 5 वायर होंगे व 1 अर्थ वायर भी होगा, ठीक। तो अगर हम स्पान की बात करें, लाइन स्पान कि जो हमारे दो एक पोल और दो एक पोल यहाँ लगाएंगे और एक दूसरा पोल, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो लाइन पार्ट लाइन स्पान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो जितनी हमको लंबी ओवरहेड लाइन बनानी है, ठीक है, जितनी लंबी हमको ओवरहेड लाइन बनानी है उतनी लंबी, ठीक, और जो हमारा मध्यमान पार्ट इसको क्वेश्चन में दिया था, जिसका मध्यमान पार्ट 50 मीटर है, ठीक है, तो जितनी हमको लंबाई बनानी होती है, जितनी लंबी ओवर लाइन बनानी होती है वो, और उसका मध्यमान पार्ट का रेशियो लेते हैं। मध्यमान पार्ट इसमें क्वेश्चन में दिया था 50 मीटर, ठीक है, इसीलिए तो 300/50 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मीटर, ठीक। पोल संख्या अगर हमको निकालनी है कि 300 मीटर लंबी लाइन के लिए ओवर लाइन हम बना रहे हैं तो उसके लिए पोल कितने लगेंगे, ठीक है, उसके लिए पोल कितने लगेंगे, तो जो हमारा लाइन पार्ट आया है, लाइन पार्ट हमारा स्पान क्या है कि एक पोल से दूसरे पोल के बीच का 6 आया है ना, एक पोल से दूसरे पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर होने चाहिए। तो यहाँ पे जो पोल संख्या हमारी निकल के आएगी, यानी कि पोल संख्या जो होगी वो लाइन स्पान में एक पोल एक्स्ट्रा जोड़ने पे हमारा पोल संख्या मिल जाएगा हमको, यानी कि 6 यहाँ पे आया था तो पोल संख्या अगर हम निकालें तो 6 तो यहाँ से हमको मिल गया प्लस 1 एक्स्ट्रा, चूँकि हम दो पोल के बीच का निकालते हैं तो एक पोल का तो यहाँ पे उस वक्त मेंशन नहीं करते हैं, इसलिए हम 1 पोल एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे। अगर यहाँ 8 पोल होता, अगर सॉरी यहाँ लाइन स्पान 8 आता तो 8+1 हो जाता, 10 आता तो 10+1 हो जाता, ठीक है। तो जो पोल संख्या होती है हम लाइन स्पान के माध्यम से निकालते हैं, तो यहाँ पर 6+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हमको पोल संख्या चाहिए होगी, ठीक है। अब 7 पोल संख्या के लिए देखिए, जैसे हमने बना लिया यहाँ पे एक पोल ये है, दूसरा पोल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और बीच बीच में चूँकि बोला इसमें अर्थवार भी हम लगाएंगे तो एक पोल नंबर 1 पे लगा दिए, चौथे पोल पे लगा दिए और सातवें पोल पे लगा दिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना है, हमको पोल संख्या मिल पता चल गया कितना पोल संख्या हमारे पास, कितने हमको पोल लगाने हैं, लाइन स्पान कितना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सामग्री, जो हमारा इसमें जितनी भी सामग्री लगेगी, चूँकि कितनी सामग्री लगेगी, सामग्री सब लगने के बाद ही जो हमारा मूल्यांकन होगा जो हम करेंगे वो, तभी हमको पता चलेगा कि ओवर लाइन के लिए हमको कितना खर्च करना है, ठीक। तो पोल्स की संख्या तो हमको पता चल गई, लाइन स्पान पता चल गया कि हाँ कितना कितनी दूरी पर होगा और कितनी हमको पोल चाहिए होगी, अर्थवार भी हमको लगाना है, अर्थिंग भी करनी है, तो इन सब सामग्रियों का यूज़ भी हमको करना है, कितने कितने में आएगा सबका हम लोग देख लेते हैं कॉस्ट, ठीक है, विथ सामग्री। तो एक लिस्ट बना है, सामग्री का नाम, सामग्री का पूर्ण विवरण, आवश्यक मात्रा और दर रुपए और मूल रुपए। दर मतलब कितना एक का कितना होगा और मूल्य अगर कितना जितना भी लगा रहे हैं उन सभी का टोटल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सामग्री हमने यूज़ किया है स्टील टेबलर पोल 11 मीटर तक के लिए, साइकिल इंसुलेटर, ठीक है, 5x7 बराबर 35
और यहाँ पे 25 एक का आएगा, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लिकेशन आप लोग करेंगे तो 875 आएगा। इसको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो देखते रहिए। शैकल इंसुलेटर इतने व्यास इतने हम लोग माप का लगाएंगे शैकल इंसुलेटर आई क्लैंप के साथ और शैकल इंसुलेटर डी क्लैंप टर्मिनल पोल के लिए 7x3.10 mm AAC और चालक तार, ठीक है, चूँकि हमने इसे मेंशन किया था पूर्वानुमान में यहाँ पे, ठीक। और इस तरीके से अर्थ वायर आई बोल्ट के लिए 5 mm एल्युमिनियम वाहक तार, रक्षण पाश तार, अर्थिंग सेट, स्टे वायर सेट, स्प्लिट इंसुलेटर, बारबेट तार, गली प्रकाश व्यवस्था, खतरा प्लेट, पोल्स कंक्रीट, नट बोल्ट इत्यादि। तो इस प्रकार से हम सारे जो सामग्री हैं अपना स्पेसिफिकेशन के साथ कितनी कितनी हमको चाहिए उन सबको रख करके इनका टोटल हम मूल्य निकाल लेंगे, तो टोटल मूल्य हमारा इतना आ जाएगा। अब जो हमारा सामग्री का मूल्य आता है वो सामग्री का मूल्य श्रम मूल्य के साथ ले लेंगे, तो ऐट द रेट यानी एक्स्ट्रा हमने 10% लिया श्रम मूल्य सामग्री का। आकस्मिक व्यय भी ऐट द रेट 5% यानी एक्स्ट्रा 5% जो हमारा सामग्री का कुल मूल्य है उससे। निरीक्षण मूल्य लेंगे ऐट द रेट 10% यानी एक्स्ट्रा 10%। कुल लागत हमारी इतनी हो जाएगी, ठीक है, 52.022×00। यानी हम जो एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल यहाँ बताया गया आप लोगों को, उसमें हमको कितना कॉस्ट आ सकता है, कितना कॉस्ट हमें लगेगा एक नॉर्मल 300 मीटर लंबी ओवरहेड लाइन के लिए। तो इस प्रकार से हम सभी का स्पेसिफिकेशन करेंगे हर एक मटेरियल को मिलाकर, क्योंकि चूंकि ओवरहेड लाइन हमको बनाना है तो ओवरहेड लाइन के जो मेन कंपोनेंट होते हैं उसको तो इसमें मेंशन करना ज़रूरी ही है। तो मेन कंपोनेंट्स सभी जो भी अभी आप लोगों को पढ़े हैं उन सबका इसमें विवरण दिया गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे और न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेंगे। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स और बुक्स में दिए हैं, उसको आप लोग देखिएगा, लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग का ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट आप लोग को MCQ क्वेश्चन वो मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन दिया गया था, 40 क्वेश्चन नंबर दिए गए थे ऑप्शनल क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कीजिएगा। वो सब चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5th के बीच के ही सब क्वेश्चन हैं।